अनिल कुंबले को उम्मीद खाली स्टेडियम में ही सही, इस साल होगा आईपीएल। पूर्व भारतीय कप्तान और किंग्स इलेवन पंजाब के मुख्य कोच अनिल कुंबले की उम्मीद है कि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन होगा और उन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते दर्शकों के बिना इस लीग का आयोजन की समर्थन किया है। यह सभी आधिकारिक नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर में करना चाहता है। कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। कुंबले ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम क्रिकेट कनेक्टेड में कहा है कि हाँ, इस साल आईपीएल के आयोजन के प्रति आशान्वित है, लेकिन इसके लिए हमें कार्यक्रम को काफी व्यस्त करना होगा। उन्होंने कहा है, अगर हम दर्शकों के बिना मैचों का आयोजन करते हैं तो फिर उन्हें 3 या 4 स्थलों पर आयोजित किया जा सकता है। इसके आयोजन की अब भी संभावना है, हम सभी आशावादी हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज बीबीएस लक्ष्मण ने कहा है कि आईपीएल से जुड़े हितधारक मैचों का आयोजन उन शहरों में कर सकते हैं जहां कई स्टेडियम हैं, जिसमें खिलाड़ियों को कम यात्राएं करनी पड़ेंगी। लक्ष्मण ने कहा है कि निश्चित तौर पर इस साल आईपीएल आयोजन की संभावना है। आपको ऐसे एक स्थल की पहचान करनी होगी जहां 3 या 4 मैदान हो, क्योंकि यात्रा करना भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा है, आप यह नहीं जानते हैं कि हवाई अड्डे पर कौन कहां जा रहा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई इस पर गौर करेगा। आईपीएल 2020 के बारे में आपके क्या सुझाव हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।